तो दोस्तों अब बात करते हैं इलायची के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। छोटी इलायची के बीजों में पोटेशियम, श्वेत सार, नाइट्रोजन युक्त म्यूसिलेज, मैग्नीज आदि तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग मुख दुर्गंध का नाश करने के लिए, हृदय रोग नाशक, अरुचि, अग्निमांद, उदरसूल, अफारा, बवासीर, उदावर्त रोग, हृदय की कमजोरी, हृदय स्पंदन वृद्धि यानी कि धड़कन बढ़ना, कफ न उठना आदि रोगों में खूब हितकारी होता है। यही नहीं, यह मूत्र प्रवर्तक भी है। अतः मूत्र की कमी, पथरी रोग, मूत्र की जलन, गर्मी अधिक लगना तथा गर्भावस्था के विकारों में भी यह खूब लाभकारी है। अतः एला बीजों के तेल को, का जो कई रोगों में लाभ करता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर रतौंधी रोग है तो इलायची का जो शुद्ध तेल है आंखों में अंजन करने से शीघ्र लाभ करता है। अगर कान में दर्द है तो इलायची बीज के जो तेल है उसको कान में डालने से कान का दर्द भाग खड़ा होता है। इसी तरह दोस्तों अगर दांतों में पायरिया रोग हो गया है, दांतों मसूड़ों से खून आता है, तो दोस्तों छोटी इलायची के तेल में लौंग का तेल मिलाकर दांतों व मसूड़ों पर मलने से पायरिया रोग ठीक हो जाता है। या छोटी इलायची चूर्ण और टंकण भस्म व माजू फल का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर इसका मंजन बनाकर मंजन की तरह प्रयोग करने से भी दांतों के मसूड़ों के रोग भाग जाया करते हैं। दोस्तों अगर स्त्रियों की वेजाइना में दुर्गंध है, संक्रमण है, खुजली होती है, तो योनि को धोने साफ करने के लिए यह क्वाथ बड़ा लाभ करता है। इसके लिए छोटी इलायची व नीम के पत्रों, नीम की छाल का काढ़ा बनाकर प्रयोग करना, उससे वेजाइना को धोने से उसके संक्रमण बदबू का नाश हो जाता है। अगर दोस्तों मुंह में छाले हैं, मुंह पाक रोग है, मुख से दुर्गंध आती है, रक्त पीव दांतों मसूड़ों से आता है, खाने पीने में भी परेशानी होती है, तो यह प्रयोग खूब लाभ करता है। इसके लिए छोटी इलायची चूर्ण, श्वेत स्फटिका भस्म दोनों को मिलाकर उनका सूक्ष्म चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को मुंह में डालकर कुछ समय मुंह में रखने से लाभ हो जाता है। दोस्तों कुछ देर बाद मुंह को साफ पानी से कुल्ला करके साफ कर लें। दोस्तों अगर बच्चों, युवाओं की बुद्धिमंद यानी कम है, उनमें सोच विचार व चातुर्यता की कमी है, तो इस प्रयोग को 2-2.5 माह तक करने से बच्चों की बुद्धि शक्ति खूब बढ़ जाती है। इसके लिए छोटी इलायची बीज को जो चूर्ण है वो 1 ग्राम तथा बंस लोशन का जो चूर्ण है वो 4 रत्ती लेकर एक खुराक के रूप में ताजे मक्खन में मिलाकर उसको चटाने से बहुत लाभ होता है। अगर मूत्र में, पेशाब में जलन है, कम आ रहा है, तो छोटी इलायची चूर्ण को आंवले के रस में डालकर पिलाने से मूत्र की जलन दूर हो जाती है तथा मूत्र खुलकर आने लगता है और परेशानी भाग खड़ी होती है। इसी तरह दोस्तों अगर पुरुषों, युवाओं को नपुंसकता की परेशानी है, वीर्य में कमजोरी है, 2 शुक्राणुओं की कमी है, तो शतावरी चूर्ण, छोटी इलायची, अश्वगंधा और मिश्री के चूर्ण को लेकर मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को मक्खन के साथ चाटने से वीर्य खूब पुष्ट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और नपुंसकता भाग खड़ी होती है। दोस्तों अगर यकृत यानी लीवर में सूजन है, लीवर फैटी हो गया है, पांडु कामला रोग हो गया है, खून की कमी शरीर को विकृत कर रही है, तो दोस्तों छोटी इलायची चूर्ण 10 ग्राम, जीरा, भूमि आंवला चूर्ण तथा मिश्री चूर्ण तीनों को 5-5 ग्राम लेकर मिलाकर रख ले। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से, दूध के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। इसी तरह दोस्तों अगर शीत पित्त रोग है, पित्ती उछलती है, शरीर पर लाल चकते बन जाते हैं, खुजली मचती है, तो यह प्रयोग शीत पित्त रोग में बड़ा लाभ करता है। इसके लिए छोटी इलायची चूर्ण 25 ग्राम, यवक्षार 30 ग्राम, शुद्ध स्वर्ण गैरिक 20 ग्राम,
सभी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 3 से लेकर 5 ग्राम तक की मात्रा में आयु बलादी का ध्यान रखते हुए सेवन करने से, शीतल जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर पेट फूला है, गैस का गोला घूमता है, आधमान हो गया है, तो छोटी इलायची का सूक्ष्म चूर्ण 4 रत्ती, भुनी हींग 1 रत्ती लेकर नींबू के रस के साथ सेवन कराने से लाभ हो जाता है और गैस भी धड़ाधड़ पास हो जाती है, पेट का जो फूला है, पेट का जो भारीपन है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, इसके संयोग से गर्भ रोधक चूर्ण भी बनाया जाता है। यह चूर्ण गर्भपात की परेशानी को दूर करता है, यानी कि गर्भावस्था में महिलाओं को जो गर्भपात होने की परेशानी का जो भय रहता है, ऐसी अवस्था में जो निपटने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए यह योग बड़ा हितकारी है। इसके लिए छोटी हरी इलायची के जो बीजों का चूर्ण 3 ग्राम ले ले, असली शुद्ध बंशलोचन 6 ग्राम, शुद्ध संग जरात का जो चूर्ण है वो 9 ग्राम लेकर सभी को मिलाकर उसमें 18 ग्राम देसी खांड मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को जो 3 पुड़िया बनाकर 3-3 घंटे के बाद गाय के दूध की लस्सी से सेवन कराने से लाभ हो जाता है और जो बच्चा जो मतलब गिरने की समस्या है वो नहीं होती। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह छोटी इलायची खूब गुणकारी है। इसके संयोग से सैकड़ों शास्त्रीय योग, खूब प्रसिद्ध योग बनाए जाते हैं, जिनमें अर्क, तेल, चून, क्वाथ, अवले, पाक, चटनी, मोदक, घृत आदि योग हैं, जो खूब गुणकारी हैं, खूब रोगनाशक हैं, खूब प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।